गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप देख रहे हैं टिकोलॉजी स्टडी जिला और आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 सितंबर 2020। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं हम उन्हें वन बाई वन देखेंगे। सबसे पहला देखते हैं कि अमेजन की एलेक्सा ने जो है वो अमिताभ बच्चन को अपना वॉइस सेलिब्रिटी नियुक्त किया है। और अमेजन की बात करें तो अमेजन की स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिएटल USA में है और इसके चेयरमैन जो है जेफ बेजोस है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है गरिमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो गरिमा योजना है ये उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू की गई है और ये जो है स्वच्छता कर्मचारियों को कई लाभ प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में शुरू की गई है बलराम योजना और उड़ीसा में ही आयोजित किया जाएगा 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप जो है आयोजित किया जाएगा। और ये किन दो शहरों में आयोजित किया जाएगा तो ये राउरकेला और भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ का उड़ीसा का ही नहीं स्टार्ट किया है मधु ऐप और यहाँ की कुछ स्कीम्स है जैसे अबधा पेठा और कालिया स्कीम्स। और उड़ीसा ही पहला राज्य बना है जिसने अपने ट्राइबल हॉस्टल्स को क्या दिया है, ISO सर्टिफिकेशन दिया है, ठीक है। और उसके बाद जल साथी प्रोग्राम भी जो है वो उड़ीसा का ही है। और उसके बाद बात करें उड़ीसा ने जो है वो दो गांवों को क्या किया है, सुनामी फ्री जो है डिक्लेयर किया है। सुनामी फ्री जो है वो, ये सुनामी फ्री नहीं या फिर सुनामी रेडी, यानी वो जो सुनामी से लड़ने के लिए वो काफ़ी तैयार है ये घोषणा की है। तो वो दो गांव जो है वो कौन कौन से हैं, वो वेंकट रायपुर है जो कि गंजम जिले में पड़ता है और एक नोलिया साहिज गांव है जो कि जगत सिंहपुर जिले में पड़ता है। तो देखिए मैं इन सारे पॉइंट्स को लिख नहीं रही हूँ क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा, तो आप मेरी आवाज़ सुन के जो है आप इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में YSR आसरा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो आप जिस भी प्रश्न में, जिस भी योजना में स्टार्टिंग में आप YSR देखें तो उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा हमेशा आंध्र प्रदेश होगा। तो YSR आसरा योजना स्टार्ट की गई है आंध्र प्रदेश द्वारा। तो आंध्र प्रदेश की और कुछ बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो आंध्र प्रदेश में ही शुरू की गई है अम्मावड़ी स्कीम, ठीक है। और आंध्र प्रदेश जो है वो भारत का पहला ऐसा राज्य बना है जिसने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म को की घोषणा की है। और आंध्र प्रदेश की कुछ योजना है जैसे रीस्टार्ट योजना और जगन्ना विद्या दीवेना योजना, ठीक है। और ये सारी योजनाएं जो है वो कहाँ की, आंध्र प्रदेश की हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि साइबर आंध्र प्रदेश ने जो है साइबर क्राइम के खिलाफ जो है वो जागरूकता प्रोग्राम शुरू किया और उसका नाम रखा है ई रक्षा बंधन, ठीक है। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल्स की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो है वो जुडिशियल कैपिटल है वो है कुरनूल और आंध्र प्रदेश की लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती और आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है विशाखापट्टनम, ओके। और याद रखिएगा कि डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो है वो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया था। और आंध्र प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री वो है जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है जो है ये हाल में ही जो जापान के नए प्रधानमंत्री बनी हैं उनका प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है योशीहिदे सुगा। ये जो है वो जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और आप याद रखिएगा जापान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, तो जापान में जो है वो टोक्यो ओलंपिक 2021 का आयोजन होने वाला है और जापान की करेंसी है येन। जापान की कैपिटल जो है आपको पता ही है क्या है, कमेंट सेक्शन में जापान की कैपिटल आप लिखिएगा। और उसके बाद देखिए हम जानते हैं कि जो टोक्यो जो है जापान की कैपिटल जो है, हम अब चलिए बता ही देते हैं जापान की कैपिटल टोक्यो है। तो टोक्यो जो है वो सेफ सिटी इंडेक्स में जो है वो नंबर वन पे रहा है, प्लस जापान जो है वो हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में भी नंबर वन पे रहा है। और हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो इंडिया किस पोजिशन पे रहा था ये आप बताइएगा, ठीक है। इंडिया की हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में जो है वो कौन सी रैंक रही थी। और अगर बात करें कि इंडिया और जो है जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज की जाती है, कौन सा अभ्यास किया जाता है, तो धर्मा गार्डियन और शिन्यो मैत्री जो है वो दो अभ्यास जो है इंपॉर्टेंट जो जापान और भारत के बीच में कंडक्ट किए जाते हैं। और जापान के बारे में कुछ और आपको बता देते हैं। देखिए जो है जापान जो है वो आइलैंड का, यानी कि आइलैंड को क्या बोलते हैं हिंदी में, हम बोले तो द्वीपों का जो है वो समूह है। तो मेनली जो है वो चार द्वीप हैं जिनका नाम आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो है होकाइडो, लाइन से मैं बता रही हूँ, होकाइडो, होनशु, क्यूशू हो गया, फिर उसके बाद है
चौथा क्या था मुझे याद नहीं रहा, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इसका आंसर, ठीक है। क्यूशो शिकोकु, ठीक है। तो ये सारे जो है वो चारों ऐप हैं। और अगला देखिए, अगला है कि हाल ही में आगरा स्थित मुगल म्यूज़ियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो मुगल म्यूज़ियम का जो है नाम बदलकर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। और तो अगर जो है आगरा है, तो आगरा जो है वो यूपी में है, तो यूपी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यूपी ने जो है वो महिला हेल्पलाइन शुरू की है, उसका नाम रखा है दामिनी, दामिनी। और यूपी ने ही जो है बाल श्रमिक विद्या योजना, युवा योजना, ठीक है, तो यानी बाल श्रमिक विद्या योजना भी शुरू की है, युवा योजना भी शुरू की गई। और युवा योजना की फुल फॉर्म देखें तो वायु का फुल फॉर्म है युवा स्वामित्र, और वी का देखें तो विकास, और ए का देखें तो अभियान। तो युवा स्वामित्र विकास अभियान जो है ये युवा की फुल फॉर्म है। और उसके बाद देखें कुशीनगर एयरपोर्ट जो है वो उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। प्लस प्रवासी राहत मित्र ऐप यहाँ शुरू किया गया है, आयुष कवच ऐप, और नवीन रोजगार छतरी योजना भी शुरू की गई है। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी यूपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राज्यसभा के दोबारा उपसभापति कौन चुने गए हैं। तो राज्यसभा के दोबारा उपसभापति जो है वो हरिवंश नारायण सिंह को चुना गया है। और अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो मिनिमम एज होती है वो कितने वर्ष होती है मेंबर बनने के लिए, वो 30 वर्ष होती है। और लोकसभा के मेंबर्स बनने की, सदस्य बनने की मिनिमम एज, ठीक है, न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है। और लोकसभा जो है वो किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, आर्टिकल जो है 81 में। और राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। और बात करें कि एम वेंकैया नायडू जो है वो राज्यसभा के क्या है, अध्यक्ष, ठीक है। और बात करें तो अभी वेंकैया नायडू ने ही अपनी एक पुस्तक का विमोचन किया है, उसका नाम है कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ADB ने जो अपना कार्यकारी निदेशक चूज़ किया है, नियुक्त किया है समीर कुमार खरे को, समीर कुमार खरे। और ADB की बात करें तो ADB की स्थापना जो है वो 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है यानी मुख्यालय कहाँ पे है, मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और जो है अशोक लवासा के बारे में जानिए, ये ADB के अभी उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है। तो ADB के अध्यक्ष जो है वो मतात्सुगु असाकावा हैं, और उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हमने देखा कि ADB बैंक का जो है कार्यकारी निदेशक वो समीर कुमार खरे को नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें कि वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक जो है वो राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है। और यहाँ के जो है अध्यक्ष की बात करें तो ये जो है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। और उसके बाद बात करें अंशुला कांत जो है वो वर्ल्ड बैंक की जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है, ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। विश्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी, लेकिन जो है इसका संचालन जो है वो 1945 से शुरू किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन DC में है। और हाल जो है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक जो है वो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को जारी करता है, जिसने अभी इसको क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। किसको, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को पब्लिश करना ये भी बंद कर दिया है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अभी जो है इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन, अपनी जो इनकी जो हाइजीन रेंज आती है, इन हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए जो है जूही चावला को क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देखते हैं तो माधुरी दीक्षित को जो है वो माँ अभियान का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दिया मिर्जा को UNEP यूनाइटेड यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी इनका जो कार्यकाल है, ठीक है, और इसे जो है वो 2022 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कियारा आडवाणी जो है वो मिंत्रा की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मार्ट राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। तो स्मार्ट राशन कार्ड की शुरुआत करने वाला जो राज्य बना है वो है पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में जो है टिकटॉक ने किस कंपनी को
अपनी अमेरिकी संचालन का तकनीकी साझेदारी बनाया है, तो इसने जो है वो ओरेकल को बनाया है। हालांकि जो है माइक्रोसॉफ्ट ने इसके लिए भी जो है वो कदम बढ़ाए थे कि इन्हें मिल जाए, लेकिन फाइनली जो मिला है वो ओरेकल को मिला है। तो ओरेकल का जो हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है, ये ध्यान रखिएगा, कैलिफोर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ यानी DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के ने अपना लोकपाल जो है वो किसे नियुक्त किया है। तो ये जो है बदर दुर्रज अहमद को नियुक्त किया गया, ये जो है वो बदर दुर्रज अहमद है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूरो मनी के द्वारा 2020, ये मिसिंग हो गया है, तो 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये जो है वो सम्मानित किया गया है आदित्य पुरी को। ये जो आदित्य पुरी हैं वो एचडीएफसी बैंक के क्या है, एमडी है, यानी प्रबंध निदेशक हैं, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद बात करें तो देखिए, उससे पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता देते हैं किसके बारे में, GDP में, यानी जो GDP की रेटिंग्स आती हैं उनके बारे में। तो स्टैंडर्ड ये देखिए, हम बात करें सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है रेटिंग ने, उसने इंडिया के GDP का कितना अनुमान लगाया है, -9%। ये देखिए, हम सारा जो है GDP ये जो है फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए, यानी वित्त वर्ष 2021 की हम बात कर रहे हैं। और अगर क्रिसिल की बात करें तो क्रिसिल ने जो है वो GDP कितना अनुमान लगाया है भारत की, -9% इसने भी, यानी स्टैंडर्ड एंड पुअर और क्रिसिल ने दोनों ही जो है वो -9% लगाया है। अगर मूडी की बात करें तो भाई मूडी का मूड बहुत ही लगता है ख़राब था, इसलिए इसने जो है -11.5% जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए जो है GDP का अनुमान लगाया है। और अगर हमने देखा ही था कि जो अभी कल जो है वो केयर रेटिंग्स ने अपना बताया था अनुमान, तो केयर रेटिंग्स ने -8.2 जो है % GDP का अनुमान लगाया था भारत के लिए। तो ये सारे जो है वो GDP जो है वो ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, तो ये साथ थे पूरे करेंट अफेयर, चलिए जो है कुछ पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। तो सितंबर का महीना चल रहा है, तो सितंबर में जितने भी आयोजित जो है इंपॉर्टेंट डेज हैं, महत्वपूर्ण दिवस हैं, उनको देख लेते हैं वन बाई वन। देखिए सबसे पहले फटाफट देखते हैं, तो 1 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय पोषण दिवस यानी नेशनल न्यूट्रिशन डे और नॉन अलाइनमेंट डे, तो यानी गुट निरपेक्ष दिवस। 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस। 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। 16 को मनाया जाता है, यानी आज जो है 16 सितंबर है, तो विश्व ओजोन दिवस। और SSN डे यानी सिंचाई का दिवस मनाया जाता है। 17 को यानी जो है वो विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। 20 सितंबर को मनाया जाता है RPF जो है वो एस्टेब्लिशमेंट डे, यानी इस दिन जो है वो रेलवे पुलिस फोर्स की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, इसलिए जो है 20 सितंबर को RPF एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया जाता है। 21 सितंबर की बात करें तो वर्ल्ड अल्जाइमर डे, ठीक है, विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। 23 सितंबर को जो है वो कॉलेरा दिवस यानी हैजा दिवस मनाया जाता है। 24 की बात करें तो विश्व जो है बधिर दिवस। 25 की बात करें तो जो है 25 सितंबर को विश्व हृदय दिवस और अंत्योदय दिवस। देखिए जो अंत्योदय दिवस है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 सितंबर की बात करें तो विश्व मूक बधिर दिवस, देखिए विश्व बधिर दिवस जो है 24 सितंबर को, लेकिन विश्व मूक बधिर दिवस ये मनाया जाता है 26 सितंबर को। उसके बाद 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस। 30 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। ये साथ था सारे सितंबर के जो है महत्वपूर्ण दिवस। अगला देखिए कुछ स्टैटिक भी देख लेते हैं। स्टैटिक में हम देखेंगे कि जो है जितने भी मेलों का आयोजन किया जाता है वो कहाँ कहाँ किया जाता है और किस वर्ष किया जाता है। तो वर्ष जाते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, सिर्फ जो है आपको कौन सा मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है ये इम्पॉर्टेंट है। तो अंबुबाची मेला जो है वो असम में आयोजित किया जाता है और असम के कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो ये है असम में और वहाँ पर ही आयोजित किया जाता है अंबुबाची मेला।
बनेश्वर मेला जो है वो आयोजित किया जाता है राजस्थान में, तो यानी बनेश्वर से भुवनेश्वर मत कर दीजिएगा, ये है बनेश्वर मेला, तो ये जो है राजस्थान में आयोजित किया जाता है। और उसके बाद जो है चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा मेला आयोजित किया जाता है, ये भी राजस्थान में है। और उसके बाद गंगा सागर मेला, गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और गंगा सागर द्वीप है उसी पर जो है वो गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है। और कुंभ मेला तो सभी को मालूम है मेरे ख्याल से, ये नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद और हरिद्वार आयोजित किया जाता है। ये जो है ये सारे जो है वो ये वार्षिक होते हैं, लेकिन ये जो है 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। पुष्कर मेला, पुष्कर मेला तो बहुत ही फेमस है, ये राजस्थान के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। और सोनपुर, सोनपुर मवेशी मेला, ठीक है, ये जो है वो सोनपुर बिहार में आयोजित किया जाता है। नौचंडी मेला, ये मेरठ यानी यूपी में आयोजित किया जाता है नौचंडी मेला। सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, ये आयोजित किया जाता है कहाँ पे, हरियाणा में, हरियाणा के जो है सूरज कुंड में आयोजित किया जाता है, जो कि फरीदाबाद में पड़ता है। और त्रिशूल पूर्णम जो है वो केरल में मनाया जाता है, ठीक है, तो वड़क्कन नाथ जो मंदिर है और जो कि त्रिशूर में है, तो वहीं पे जो है त्रिशूल पूर्णम मेला का आयोजन किया जाता है। उसके बाद बात करें कि मेदाराम जात्रा और समक्का जो मेला है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, वारंगल में, ओके। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो है वो मेला के बारे में था। सो दैट्स इट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।